हे पिता परमेश्वर, मेरे पति के जीवन को बदल दे। वह रोज पीकर मुझे बहुत बुरी तरीके से मारते पीटते हैं। परमेश्वर, मेरे पति के अंदर से दुष्ट स्वभाव को खत्म कर दे। मेरे पति के जीवन को बदल दो पिता परमेश्वर, वो भी आप पर विश्वास करे और आपके पीछे चले। मेरी प्रार्थना सुन लो परमेश्वर। लगता है ये आ गए। परमेश्वर, मेरी रक्षा करना। ए, कहाँ गए तू? मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ इंजॉय करने को। ए, कहाँ गए? आप रोज रोज दारू पीकर क्यों आते हो? क्यों री, तेरे बाप के पैसों की पीता हूँ क्या? आजकल बहुत जबान लड़ाने लगी है, आज तुझे सुधारना ही पड़ेगा। नहीं, नहीं, मुझे मत मारो, नहीं। आ, 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 आ। अगली बार मुझसे जवान लड़ाई ना, तो तेरी खाल उतार के रख दूंगा। चुपचाप दो रोटी खा और एक कोने में पड़ी रहे। ये रंजना है और रंजना का पति सुनील हर रोज शराब पीकर उसे बहुत मारता है। रंजना के माता पिता ने उसकी शादी जबरदस्ती इस नशेड़ी सुनील के साथ करा दी है, मगर रंजना परमेश्वर पर बहुत विश्वास करती है और उसका विश्वास यह भी है कि परमेश्वर एक दिन उसके पति के जीवन को बदल देगा। ए, रोना धोना बंद कर और आकर मेरे पांव दबा। और जब सुनील सो जाता है तो रंजना उठकर परमेश्वर के समीप प्रार्थना करने चली जाती है और वह परमेश्वर के सामने रो रो कर अपने पति के लिए प्रार्थना करती है कि परमेश्वर उसके पति के जीवन को बदल दे और उसे नशे से छुड़ाए। सुनील को पता नहीं था कि उसकी पत्नी रंजना यीशु मसीह पर विश्वास करती है और उसके लिए हर दिन रो रो कर प्रार्थना करती है। एक दिन सुनील शराब के ठेके पर जाता है शराब पीने के लिए। अरे, आज तो पता नहीं क्यों मेरा तो शराब पीने को मन ही नहीं हो रहा, लगता है मेरी तबीयत अंदर से ठीक नहीं है। एक काम करता हूँ, घर जाकर आराम कर लेता हूँ। और सुनील घर के लिए निकल जाता है और सुनील घर जाकर देखता है उनकी पड़ोसन बबीता रंजना से कुछ बात कर रही होती है। बहन, बहुत दुख हुआ तुम्हारी हालत देख करके। तुम्हारा पति तो हैवान है, तुम उसके साथ क्यों रह रही हो? अभी तो तुम्हारी शादी को सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं और अभी तो तुम्हारा कोई बच्चा भी नहीं है। तुम अपने पति से डाइवोर्स लेकर किसी और से शादी क्यों नहीं कर लेती हो? क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रही हो इस आदमी के साथ यहाँ? आखिर अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? नहीं बहन, चाहे मेरी शादी किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हुई हो, लेकिन अब तो मेरे पति सुनील ही हैं और मैं उन्हें डिवोर्स देकर दूसरी शादी नहीं कर सकती। यह पाप है, व्यभिचार है और मुझे अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा है, वह एक ना एक दिन मेरे पति के जीवन को जरूर बदलेंगे। ठीक है बहन, जैसी तुम्हारी मर्जी, अब मैं चलती हूँ। और यह सारी बातें सुनील छिपकर सुन रहा होता है। अभी इनके आने में 2 घंटे बाकी हैं, तब तक मैं प्रार्थना कर लेती हूँ।
और रंजना रो रो कर अपने पति सुनील के लिए प्रार्थना करती है कि परमेश्वर उसको नशे से मुक्त करे और उसके जीवन को बदल दे। और यह सब बातें सुनील सुन रहा होता है और यह सब देखकर सुनील की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं कितना बुरा इंसान हूँ, अपनी पत्नी को बिना वजह इतनी बुरी तरीके से मारता पीटता हूँ, फिर भी यह मुझसे कितना प्यार करती है। मैं इसे कितना मारता पीटता हूँ, फिर भी यह मुझे क्षमा करके मेरे लिए प्रार्थना करती है। मैं तो सच में इसका अपराधी हूँ। और पवित्र आत्मा सुनील के हृदय को कायल करता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। रंजना, आह, प्लीज प्लीज मुझे मत मारना, मुझे बहुत दर्द होता है, प्लीज मुझे मत मारना। नहीं, मैं तुम्हें मार नहीं रहा। मैं जानता हूँ मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मगर मैं आज तुमसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। मैंने सच में तुमको बहुत सताया, मारा पीटा, मेरी ये गलती क्षमा के काबिल तो नहीं है, फिर भी मैं तुमसे हाथ जोड़कर मेरी गलतियों के लिए तुमसे क्षमा मांगता हूँ। मुझे क्षमा कर दो रंजना। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप बदल गए, मैं आपको क्षमा करती हूँ। चलो आज से सब कुछ पिछला भुला करके परमेश्वर में अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं। और रंजना सुनील को परमेश्वर के बारे में सब कुछ बताती है कि परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह हम सभी के पापों के पश्चाताप के लिए बलिदान कर दिया है। और सुनील यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके अपने पापों से पश्चाताप करता है और परमेश्वर भी सुनील को क्षमा करके उसके जीवन को बदल देते हैं और सुनील आज यीशु मसीह की सेवा कर रहा है। दोस्तों, यह कहानी काल्पनिक नहीं है बल्कि सत्य है। ऐसे ना जाने कितने सुनील के जीवन को यीशु मसीह ने बदला है, जिसमें से एक मैं हूँ। दोस्तों, हम जानते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहले शराब पीते थे और नशा किया करते थे और अपने परिवार वालों पत्नी को मारा पीटा करते थे, मगर आज परमेश्वर ने उनके जीवनों को बदल दिया है। क्या आपकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें यह भी जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आप हमारी सेवकाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और यूपीआई भी कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।